नमस्कार, ये सवाल है, देख लीजिए, एक कट्ठा में कितना वर्ग फुट होता है? और दूसरा सवाल है, 8 कट्ठा 8 धूर बराबर कितना डिसमिल होता है? फटाफट में देख लीजिए, यहाँ पर लग्गी बराबर 6.5 हाथ और फुट में 10.5 फुट होता है, 9.75 फुट होता है। तो हम जानेंगे एक कट्ठा में कितना फुट होता है, इसको देख लीजिए। एक धूर पहले निकाल लीजिए, एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है, इसको जानते हैं, लग्गी वर्ग होता है। तो बराबर कर दीजिए, 9.75 का वर्ग कर दीजिए, सीधे हम लोग वर्ग फुट में निकालेंगे, बराबर होगा 95.06255 है, 95.0625 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होता है। ठीक, 95.0625 वर्ग फुट होता है एक धूर में। तो अब हम एक कट्ठा बराबर जानेंगे, एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर, एक कट्ठा बराबर 20 धूर, इसलिए एक कट्ठा बराबर 20 × 95.0625 कर दीजिए, तो बराबर होगा 1901.25 वर्ग फुट होगा, एक कट्ठा बराबर वर्ग फुट 6.5 हाथ का लग्गी है यहाँ, ये देख लीजिए 1901.25 वर्ग फुट होगा। अब कितना बड़ा प्लाट होगा, कितना लंबाई चौड़ाई, इसको भी देख लीजिए। ये देखिए, इसका लंबाई चौड़ाई हम लोग निकालेंगे, ये देखिए इसको, इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। यदि आप 45 फुट इसका लंबाई लेते हैं तो चौड़ाई होगा 42.25 फुट, यानी कि 42 फुट चौड़ाई होगा। ये एक कट्ठा का जमीन है, एक कट्ठा का जमीन है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कितना वर्ग मीटर होगा, इसको देख लीजिए, एक कट्ठा बराबर लिख लीजिए, एक कट्ठा बराबर 1901.25 वर्ग फुट होता है, 1901.25 वर्ग फुट होता है। तो इसको भाग कर दीजिए 10.76 से, ये 10.76 से भाग कर दीजिए, 176 बराबर 176.69 वर्ग मीटर होगा, इतना वर्ग मीटर होता है। अब पूछेंगे कि कितना हेक्टेयर होता है, तो लिख लीजिए, यहाँ पर भी लिख लीजिए, एक कट्ठा बराबर 1901.25 बटे में कर दीजिए 108,900 वर्ग फुट, एक हेक्टेयर में 108,900 वर्ग फुट होता है, इसी से भाग कर दीजिए, तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कर लिया हूँ, 0.0174 हेक्टेयर होगा, 4 डिजिट लेंगे, दशमलव के बाद और भी लिख सकते हैं, इतना हेक्टेयर होगा। अब हम जानेंगे 8 कट्ठा 8 धूर कितना डिसमिल होगा, तो लिख लीजिए 8 कट्ठा 8 धूर, 8 कट्ठा बराबर 8 गुड़ा कर दीजिए, 8 × 1901.25 बराबर होगा, ये 15,210 वर्ग फुट होगा, 15,210 वर्ग फुट होगा, ये देख लीजिए 15,210 वर्ग फुट होगा 8 कट्ठा में। अब जानेंगे 8 धूर,
लिख लीजिए आठ धूर, आठ धूर बराबर आठ गुड़ा 95.0625 बराबर होगा, ये लिख लीजिए इसको, 760.5 वर्ग फुट होगा, 760.5 वर्ग फुट, इतना वर्ग फुट होता है। आठ धूर बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 15,970.5 वर्ग फुट, 5 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। 8 कट्ठा 8 धूर बराबर 15,970 वर्ग फुट होगा। अब जानेंगे कितना डिसमिल होगा, एक डिसमिल का मान जानते हैं 435.6 वर्ग फुट होता है, लिख लीजिए यहाँ पर, भाग कर दीजिए 435.6 से भाग कर दीजिए, तो बराबर होगा, बराबर कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर हो जाता है 36.66 डिसमिल, बराबर 36.66 डिसमिल होगा, इतना डिसमिल, लगभग जो है इसको कह सकते हैं 36.5 डिसमिल होगा, 8 कट्ठा 8 धूर बराबर। और 8 कट्ठा 8 धूर बराबर कितना हेक्टेयर होगा, तो लिख लीजिए 8 कट्ठा 8 धूर बराबर 15,970.5 हेक्टेयर निकालने के लिए 108,900 से भाग कर दीजिए, तो बराबर होगा, नोट कर लीजिए, ये 0.1466 हेक्टेयर होगा, इतना हेक्टेयर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।